हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस पेपर डिस्कशन में। यहां पे आज हम आपके सामने लेके आए हैं वर्ष 2015 का GS1 का डिस्कशन। इसमें भी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारा तीसरा भाग है भाई। इससे पहले हमने पहले भाग में 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किए, फिर उसके बाद दूसरे भाग में हमने करीब 12-13 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हर एक क्वेश्चन को हमने किया क्या, हमने उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए। हर पार्ट को हमने समझा कि कैसे उसकी नीड को मीट करें, कैसे उसकी डिमांड को मीट करें, और उस डिमांड के अनुसार ही हमने तैयार किया अपना कंटेंट। इस कंटेंट को फिर आपने रखा अपने आंसर में और ऐसे तैयार किया एक इफ़ेक्टिव आंसर। तो मेरी गुजारिश है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने मुझे इसी यहीं से ज्वाइन किया है, इसी वीडियो से ज्वाइन किया है, ये आपका पहला लेसन है मेरे साथ, तो प्लीज़ पुराने वीडियोस देखें। हम लोगों की इन डेप्थ एनालिसिस से, हम लोगों की एक जो बिल्कुल गहराई में जाने वाली अप्रोच है, उनसे अगर आप अपने आंसर में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका आंसर एफिशिएंट आंसर बन पाएगा, अच्छे मार्क्स आप फेच कर पाएंगे, जो कि हमारा भी लक्ष्य है। तो प्लीज़ सारे वीडियो देखें, फिर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पुराने वीडियो में डिस्कस करे, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 से आपको आज लेके चलूँगा। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिवॉल्व करता है ओशन करेंट्स के चारों तरफ, और वो भी ओरिजिनेशन पे, कि ओशन करेंट भाई बनते कैसे हैं। आपको बताने हैं ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से ओशन करंट बनते हैं, और वो ये ओशन करंट ही कैसे आपके रीजनल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे फ़िशिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे नेविगेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपके दो भाग बनते हैं, और दूसरे भाग में भी आपके तीन पार्ट बनते हैं। तो भाई इसमें दिया गया एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में क्या है, जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको डिटेल में डिस्कस करें, विस्तार से उसका डिस्कशन करें। अब अगर आप क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले आएगा ओशन करंट जो आपका मेन टॉपिक है, इसी के अराउंड आपका पूरा आंसर घूमेगा। फिर उसके बाद पहला जो पार्ट है वो बता रहा है क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये ओशन करंट्स बनते हैं, ओरिजिनेशन कैसे होता है। दूसरा भाग है, अब ये बन गए तो अब ये बताइए बन के कैसे वहाँ की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वहाँ पर फ़िशिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे वहाँ पर नेविगेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तीन भाग हैं जहाँ पर आपको बताना है। तो मतलब आपके आंसर में दो भाग हैं, कैसे तो इसका ओरिजिनेशन हुआ है, और फिर उसके बाद इसमें तीन पार्ट हैं, ओरिजिनेशन हो गया तो ये कैसे इन तीनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अप्रोच में कुछ नहीं, सबसे पहले तो रीज़न बताइए ओशन करंट क्यों है, फिर उसी बात को डिटेल में समझाइए, थोड़ा विस्तार में समझाइए कि ओशन करंट कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद उनके तीनों पे फ़र्क दिखा दीजिए। तो ये अपने क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, मैंने क्वेश्चन को पूरी तरह एड्रेस कर दिया। देखिए शुरू मैंने किया है कि ओशन करंट बनने में दो फैक्टर्स ज़रूरी हैं, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। इन प्राइमरी और सेकेंडरी को जो है मैंने सिर्फ ब्रीफ दिया है यहाँ पे, मैं समझाऊंगा अपनी बॉडी में क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स है मेरे पास। फिर मैंने बात बदल दी, मैंने कहा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिनेशन में किसके, ओशन करंट के, तो वो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, जबकि किस तरीके से वो फ्लो हो, वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो, या फिर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो, या फिर वो नॉर्थ से साउथ हो, साउथ से नॉर्थ हो, ये सब जो है वो डिटरमाइन करते हैं इसके सेकेंडरी फैक्टर्स। तो ये मैंने बता दिया इन प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स का एक्चुअल में क्या रेलेवेंस है, बॉडी में मैंने एक एक करके समझा दिया। देखिए सबसे पहला फैक्टर है विंड। आप समझ लीजिए अगर ये हमारा ओशन है, ठीक है, ये हो गया ओशन, अगर जो आपकी हवा है वो इस तरीके से बह रही है तो ये हवा जो है वो पानी को भी मजबूर करती है इधर की तरफ चलने पे, तो पानी में भी मोशंस आते हैं। तो इस तरीके से विंड आपका पहला फैक्टर हो गया। तो इसमें क्या होता है, दे ड्राइव द वाटर विद देयर मोशन, जैसे मैंने बताया आपको विंड चलेगी वैसे ही वहाँ का जो है ओशन करंट शुरू होंगे, वहाँ ओशन उस तरफ ही चलेगा विंड के मोशन के अनुसार। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे कि मॉनसून विंड होती हैं, मॉनसून विंड क्या है, साउथ वेस्टर्न मॉनसून, जैसे कि आप समझिए ये आपका भारत है, तो ये विंड ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, फिर ये ऐसे आती हैं, तो यहाँ पे जो है ये पानी को भी मजबूर करेगी ऐसे ही चलने पे, और यहाँ पे ये ऐसे ही चलने पे, तो ये विंड अपने मोशन के हिसाब से मजबूर करती है पानी को।
फिर उसके बाद आप देखिए इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको हम कहते हैं इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए ये आया, अब जो पानी है इक्वेटर के आसपास वो क्या एक्सपैंड होता है, हल्का होता है, उठता है, तो जो एक्सपैंड हुआ बड़ा, तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि भाई इक्वेटर के पास तो क्या होता है, एक्सपैंड होता है पानी, एक्सपैंड होके वो थोड़े हायर लेवल पे होता है एज़ कम्पेयर टू मिडल लैटिट्यूड्स। क्योंकि ये पानी हायर लेवल पे है तो इसी वजह से यहाँ पे मोशन ईस्ट टू वेस्ट होने लगता है। तो ये जो ईस्ट टू वेस्ट मोशन है ये क्यों हुआ, क्योंकि इंसुलेशन था, उसने पानी को हैवी किया, पानी जो है हैवी होके थोड़ा सा ऊपर उठा, ऊपर उठा तो यहाँ पे पानी की थोड़ी सी डिफिशेंसी हुई, तो इसको भरने के लिए यहाँ से पानी आया। तो समझ लीजिए इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट जो है पानी मूव करता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको पता है पानी को नीचे खींचती है, अगर यहाँ के पानी को इसने नीचे खींचा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई पानी की, तो इसको तो भरना पड़ेगा, तो वो डेफिशिएंसी भरने के लिए पानी यहाँ से आएगा, तो इसलिए भी देखिए ईस्ट टू वेस्ट पानी चला। फिर उसके बाद कोरियोलिस फोर्स, आप लोगों को पता है कोरियोलिस फोर्स क्या है। देखिए अगर आपकी हवा नदन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसी है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो है कोरियोलिस फोर्स इसको आपको राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ऐसे धक्का मारेगी, ये धक्का पड़ा तो धक्का पड़ने की वजह से ये अब ऐसे जाने लगेगा, तो ये इसके डायरेक्शन को इसने सीधे से इस तरफ घुमा दिया। ये है कोरियोलिस फोर्स का काम। अब यहीं पे क्या होगा, आप ये समझिए ये है सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या, जब ऐसे मारेगा तो ये लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, तो जब लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट किया तो फिर आप समझ लीजिए ये इसका मोशन ऐसा हो गया, तो ये इतना इसका मोशन बेंड हो गया। ये है कोरियोलिस फोर्स का काम। तो ये हवा का अगर मोशन बेंड होगा तो ऑब्वियसली हमने वो पहले अपने पॉइंट में देखा कि हवा के साथ ही मोशन करता है हमारा ओशियन का करंट, तो वो भी बेंड हो गया। ये जो फिनोमिना है आपको सरगैसो सी में देखने को मिलता है, जो कि अटलांटिक ओशियन के बीच में है। वहाँ पे क्या है, ऐसे गायर्स बनते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने वाले ओशियन करंट्स बनते हैं, तो वो क्यों है, वो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स की वजह से हैं। कोरियोलिस फोर्स एक अहम भूमिका निभाता है उनमें। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल भी दे दिया। अब आते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स पे। देखिए टेम्परेचर और सैलिनिटी में डिफरेंस, अब देखिए ऐसा है आप ये समझें थोड़ा सा, तो क्लियर कर लेते हैं अपन पहले। हाँ आप ये समझें कि अगर अपना ये पूरा सरफेस है ओशन का, समझ लीजिए कि यहाँ ये है हमारा इक्वेटर और ये है हमारा पोल्स। देखिए जो भी वाटर डेंस होगा वो भारी हो जाएगा, भारी होके वो नीचे गिर जाएगा एकदम से, तो नीचे दब जाएगा। तो इस तरीके जैसे ही वो वाटर नीचे दबेगा दूसरी तरफ से कोई वाटर आएगा उसको भरने के लिए। तो देखिए जो पोल्स पे वाटर होता है वो होता है डेंस, तो डेंस वाटर बेसिकली क्या होता है, ये नीचे चला जाता है। तो ये नीचे इस तरीके से मान लीजिए ये नीचे चला गया, अब यहाँ ये वो पानी नीचे गया तो इसको भरने के लिए पानी कहाँ से, इक्वेटर से यहाँ तक आता है। ये पानी नीचे गया तो अब इक्वेटर से पानी इधर चला गया, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, तो इसको भरने के लिए किसी को आना पड़ेगा ना। तो आप ये देखिए ये इस तरीके से आता है और आके फिर यहाँ से ये ऊपर आता है। तो आप देखेंगे तो एक बन जाती है कन्वेयर बेल्ट, मतलब ये ऐसी बेल्ट हो गई जो कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये भी पानी के मोशन में बहुत हेल्प करती है। इसमें भी दो तरीके होते हैं, जो वर्टिकल मोशन होता है मतलब जो पानी इस तरीके से नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये क्यों होता है, ये सैलिनिटी डिफरेंस है, ये डेंसिटी का डिफरेंस है, उस वजह से हो रहा है। और फिर ये ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए यहाँ पानी कमी हो गई, क्योंकि देखिए पानी नीचे चला गया तो यहाँ पे पानी यहाँ से आएगा भरने के लिए, और अब यहाँ से पानी आ गया तो यहाँ पे भी कमी होने लगी, तो यहाँ से जाएगा पानी। ये तो आपकी बन गई एक साइकिल, एक बेल्ट बन गई आपकी, जिसको कहते हैं हम कन्वेयर बेल्ट। ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, इसमें टेम्परेचर सैलिनिटी ये रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद मैं आता हूँ इम्पैक्ट पे, जो हमारी बॉडी का सेकेंड पार्ट है। देखिए इम्पैक्ट सबसे पहले तो रीजनल क्लाइमेट, भाई जहाँ पे वॉर मोशन करंट होते हैं आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए ये वॉर मोशन करंट गया और यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे वो क्योंकि इस पानी में मॉइस्चर तो हो गई, समुद्र में बह रहा है भाई पानी, मॉइस्चर तो है ही, और दूसरी बात गर्म भी है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, बनेगा बादल, जब बादल बनेगा तो बारिश होगी। तो वॉर्म ओशियन करंट जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे बारिश होती है कोस्टल एरियाज में। देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में बारिश करवा दी अपन ने, जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये हमारा समर में वहाँ पे रेन होती है, वो जो रेन है वो है ड्यू टू वॉर्म ओशन करंट। फिर है डेजर्ट फॉर्मेशन, अब वही चीज़ उल्टा समझिए, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए आप ये है आपका
साउथ अमेरिका। अब आप माने यहाँ पे साउथ अमेरिका में कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, तो अगर ये कोल्ड करंट है तो ये गर्मी तो लाएगा नहीं, और अल्टीमेटली जो यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी होगी उसको भी ठंडक में परिवर्तित कर देगा। अगर वहाँ पे ठंडक है तो कोई हवा आसमान में उठेगी नहीं, क्योंकि इवापोरेशन है नहीं, एक्सपैंड हो नहीं रही हवा। अगर हवा आसमान में नहीं उठी तो बादल बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे होती है एरिडिटी, यहाँ पे आपके डेजर्ट्स डेवलप होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे है अटकामा डेजर्ट, इसको हम डेसिकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, तो ये आपका दूसरा हो गया, एक तो रेन हो गया गर्म वाले से, डेजर्ट हो गया ठंडे वाले से। मॉडरेटिंग इफेक्ट, अब देखिए मॉडरेटिंग इफेक्ट क्या है, जैसे कई जो हैं काफ़ी ऊपर के लैटिट्यूड्स पे कई कंट्रीज़ हैं, कई कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो क्या जनरली ठंडक एक्सपीरियंस करते हैं, कोल्ड है। अब अगर कोई वार्म करंट आ जाता है और इसके पास से निकल जाता है तो ये अपनी गर्मी यहाँ पे दे देता है। इसने अपनी गर्मी दी, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट में जो ठंडक पड़ रही थी अनबेयरेबल, वो अब इतनी अनबेयरेबल नहीं है, थोड़ा हम बियर कर सकते हैं, थोड़ा मतलब मॉडरेट हो गया टेम्परेचर। तो ये है इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है, वो इंग्लैंड में फ्रीजिंग को रोकती है, क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट है ये गर्म है, इंग्लैंड जो है वो ऊपर पड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे कोस्ट जो होता है जमने वाली कंडीशन में आ जाता है, पर जैसे ही ये गर्म वेव आती है वैसे ये जमने की स्थिति से बाहर आ जाता है। ऐसे ही कैनरी कोल्ड करंट है, जो क्या स्पेन और पोर्चुगल में ठंडक फैलाता है, ठंडक फैलाता है तो वहाँ पे गर्मी बर्दाश्त की जा सकती है, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट। और चौथा है फॉगी वेदर, जब भी कोई वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो यहाँ पे फॉग बनता है, और यही जो जगह है ये सबसे बेस्ट लोकेशन होती है फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, जहाँ पे आपके कोल्ड और हॉट करंट मिलते हैं। तो आप फॉग बनेगा, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होगी, ड्रिजल्स होगी। मिक्सिंग जोन कहाँ होता है इसका, वार्म और कोल्ड का मिक्सिंग जोन होता है। इस तरीके से आपने चार फैक्टर्स लिए क्लाइमेट के। फिशिंग पे देखते हैं अपन, मैंने बताया आपको अभी भी जहाँ भी ये ठंडा है और जहाँ भी ये जो गर्म है ये दोनों मिलेंगे आके, इस जगह पे बहुत सारी मछलियाँ आपको मिलेंगी। तो ये आपका अच्छा है जो फिशिंग जोन बनेगा, रिच फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, जैसे कि न्यूफाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक्स हैं। अब भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ये है ये दो जब करंट मिलते हैं तो प्लैंकटन्स डेवलप होते हैं, जितने ज़्यादा प्लैंकटन डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा मछलियों का खाना बढ़ेगा। प्लैंकटन क्या है, मछलियों का खाना है, तो जितना ज़्यादा खाना होगा जानवर उसी तरफ जाएगा, मछली उसी तरफ जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छे बनते हैं। फिर होता है नेविगेशन। देखिए अब अगर आप समझें तो इसको हम दो वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो ये है, देखिए जहाँ पे भी अगर कोल्ड और हॉट करंट मिला वहाँ पे होगा क्या, फॉग। अब आप बताइए कि अगर फॉग है तो क्या हम लोग वहाँ पे नाव चला सकते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत खतरा हो जाएगा। इसीलिए न्यू फाउंडलैंड में जहाँ पे मिलती है कोल्ड और वार्म, वहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता है। देखिए ये आप देखिए ये पोजीशन, ये ऊपर से आ रहा है जो नीला वाला है, ये कोल्ड, ठीक है। ये देखिए आप, नीले वाले को कोल्ड करंट बोला गया है, ये लाल वाले को वार्म करंट बोला गया है। तो ये देखिए इस पोजीशन पे जहाँ मैंने एरो बनाया है यहाँ पे मिल रहा है कोल्ड और वार्म, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धुंध होती है, धुंध में गाड़ी चलाना संभव नहीं है, तो आप शिप कैसे चलाओगे, तो जहाज़ के यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरी बात नेविगेशन को कैसे हेल्प करता है, ये तो मैंने बताया। नेविगेशन को कैसे हिंडर करता है, कैसे हेल्प करता है, वो ऐसे देखिए जिस तरफ ओशन करंट होते हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे हवाओं की वजह से। जिस तरफ ओशन करंट होंगे, नाव आप अपनी उसी दिशा में लगाओ तो नाव अपने आप चलने लगेगी, तो ये हेल्प करता है नाव को चलने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एक शिप चला रहा है मेक्सिको से फिलीपींस तक, देखिए ये है आपका मेक्सिको और ये है आपका, यहाँ पे आपका कहीं है फिलीपींस, कोई समझ लीजिए मेक्सिको से फिलीपींस जा रहा है, तो अगर उसने इस वाले में अपनी नाव रख दी तो देखिए ये ओशन करंट जा रहा है गोल घूम के, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वो ओशन करंट के साथ ही यहाँ पहुँच गया, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, देखिए ये रही नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, यहाँ पे अपनी नाव लगा देंगे तो नाव बहती बहती चली जाएगी और आपको बहुत मदद मिल जाएगी ओशन करंट की वजह से ही। अगर आपको वही इसके उल्टे दिशा में जानी हो, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस से जाना है आपको मैक्सिको, तो यही आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप ओशन करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये नेविगेशन में हेल्प करता है, लेकिन कुछ हिंड्रेंस भी करता है, जैसे कि फॉग मैंने आपको समझाया, ये न्यू फाउंडलैंड के आसपास यहाँ की मैंने आपको परिस्थिति समझाई।
तो आप देखिए, और दूसरी बात जो अपने पुराने फैक्टर्स देखे, देखिए ये जो है लाल वाला, ये है अपना कोल्ड करंट। कोल्ड करंट जाता है पेरू के आसपास से, तो यहाँ पे अपना बनता है अटकामा डेजर्ट। मैंने आपको बताया था डेसिकेशन इफेक्ट। अब अगर आप ये देखिए, ये वाला लाल वाला जो है ये आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास से। लाल वाला हमारा मतलब गर्म करंट, तो गर्म करंट अगर आ रहा है तो यहाँ पे भाप बनेगी, इवेपोरेशन होगा, बारिश होगी, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इस तरह बहुत ज़्यादा रेन होती है। ये आपने इससे संबंधित फैक्टर्स समझे, आपने क्वेश्चन के दोनों भागों को अच्छे से संभाल लिया, अच्छे से एड्रेस किया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, ये तीनों ही बहुत मेगा सिटीज़ हैं हमारे देश की, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है भाई, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो सबसे आगे निकल रही है, वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बाकी दोनों जगह के कंपैरिजन में। ये बात आप इस बारे में बात करो, आप कोई आपका कीवर्ड नहीं है, दो हिस्सों में ये टूटेगा। पहला तो तीनों ही आप जो मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता है, तीनों मेगा सिटीज़ को ले लें, फिर भी ऐसा क्यों है कि एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतनी ज़्यादा है और बाकी दोनों में कंपेरेटिवली कम है। अप्रोच ये रहेगी आपकी कि अभी सिनेरियो क्या है पूरे भारत में, यहाँ से शुरू करें, फिर उसके बाद दिल्ली वर्सेस मुंबई वर्सेस कलकत्ता लिखें। अल्टीमेटली आप फैक्टर्स बताएं कि किन फैक्टर्स के चलते दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन है। देखिए मैंने शुरू ऐसे किया है कि इंडिया, हाँ ये बात सही है, भारत जो है वो अपने डेवलपमेंट के पाथ पे है, यहाँ पे मेगा सिटीज़ खड़ी हुई हैं आज, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और ये लोग ही भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन ये है अनफॉर्चुनेट बात कि भाई आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहा है, दिन ब दिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो गिरती जा रही है। और अगर मैं ये बात देखूँ दिल्ली के रिस्पेक्ट में, तो दिल्ली में तो सबसे ही खराब है पोल्यूशन, सबसे खराब है एयर की क्वालिटी। तो इसमें क्यों, कैसे, तो ये फैक्टर्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला तो लोकेशन देखिए, जो मुंबई और कलकत्ता है भाई वो कोस्ट के आसपास है, तो वहाँ पे क्या कोस्टल विंड्स आती हैं। कोस्टल विंड जो हैं वो आती हैं तो आपको पता है कि भाई इस तरीके से सी वेव्स चलती हैं, सी विंड्स चलती हैं, ये जो है समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं आती हैं और वही पूरे जो है दिशा पलट जाती है दूसरे समय। तो ये जो है इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो लैंड पे प्रदूषित हवा है ये क्लीन हो जाती है, लेकिन दिल्ली की जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो किसी भी तरीके से कोस्ट के आसपास नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कोई कार्बन सिंक भी नहीं है। ओशन आपको पता होगा बहुत ज़बरदस्त कार्बन सिंक का काम करता है, तो इसीलिए जो पोल्यूशन है वहीं फंसी रह जाती है, ट्रैप हो जाती है, तो इसीलिए भी पोल्यूशन ज़्यादा है। दूसरी जगह पोल्यूशन छट रही है वहाँ पे हवाओं की वजह से, दिल्ली में नहीं छट पा रही। फिर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ, वहाँ पे कितनी उमस है, तो ये जो है यहाँ पे जो है मुंबई में, आपके कलकत्ता में, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा जो है उसमें नमी है, डैम्पनेस है, तो ये जो है नमी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल जमे होते हैं वो पानी में आके हट जाते हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसी कोई एडवांटेज दिल्ली के पास नहीं है, वहाँ पे इतनी डैम्पनेस नहीं है, इतनी नमी नहीं है हवा में, तो इस वजह से वो जो पार्टिकल हैं वो हवा में ही रहते हैं। तीसरी बात, प्रॉक्सिमिटी टू पंजाब हरियाणा। हम लोगों को मालूम है कि पंजाब और हरियाणा में जो है वहाँ पे स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे फसल काट के हार्वेस्ट के बाद जो भी बचता है उसको जलाया जाता है, तो ये जो जला के जो हवा में पोल्यूशन फैलती है ये फिर धीरे से आती है दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली में ये सारी पोल्यूशन आके वहाँ पे जम जाती है और वहाँ की एयर की क्वालिटी को और ख़राब कर देती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिल्ली में जो है वो विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं, आपको पता है वहाँ पे बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, तो इस वजह से जो स्मॉग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। देखिए फॉग तो बनता ही है आपको पता है ठंडी में, और यहाँ से आती है स्मोक, कहाँ से, एक तो जो दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से, उसके बाद पंजाब हरियाणा से जो स्टबल बर्निंग से आती है, तो ये दोनों मिला के बना देते हैं स्मॉग, और ये स्मॉग वहाँ की एयर क्वालिटी को और ख़राब कर देता है। फिर अपन बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू राजस्थान, देखिए ऐसा है राजस्थान में जो है डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, रेगिस्तान मौजूद है वहाँ पे, तो रेगिस्तान जो है वहाँ से डस्ट उड़ के आती है दिल्ली तक, और दिल्ली में आके वो क्योंकि हाई अर्बनाइजेशन है तो वो ट्रैप हो जाती है, ये एयर ट्रैप हो जाती है, इस वजह से दिल्ली की क्वालिटी और ख़राब है।
कलकत्ता के आसपास कोई रेगिस्तान नहीं है, वहीं पे मुंबई के आसपास कोई रेगिस्तान नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास में है। रेनफॉल जो है, अगर मुंबई के कंपेयर में बात करें, कलकत्ता के कंपेयर में बात करें, तो दिल्ली में थोड़ी कम है। वो क्यों? क्योंकि जो अरावलीज हैं, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, वो पैरेलल चले जाते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स के। देखिए, एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर ये पहाड़ है और यहाँ से विंड आई और इसे टकराई, तो ये विंड टकरा के ऊपर उठेगी और बारिश करेगी, ठीक है? तो ये अपन ने देखा बारिश कैसे होती है। लेकिन वहीं पे जो है, ये माउंटेन पैरेलल पड़ रहा है विंड के। आप समझिए, विंड ऐसे आ रही है तो विंड ऐसे निकल जाएगी और विंड ऐसे निकल जाएगी, लेकिन टकरा के बहुत थोड़े से में बारिश करेगी। अरावली जो है, अरावली का बेसिक जो, ये देखिए, अरावली का जो बेसिक लोकेशन है वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से फैला हुआ है। तो मानसून विंड्स ऐसे आती हैं और ऐसे आती हैं, तो टकरा के बारिश नहीं कर पाती। सिर्फ थोड़े से पार्ट जो कि सदर्न अरावली है, वहाँ पे बारिश होती है। इस वजह से भी दिल्ली में बारिश कम है। बारिश कम है तो वो जो डस्ट हवा में रहती है, वो हवा में रहती है, वो नीचे ज़मीन पे नहीं बैठती। इस वजह से भी एयर क्वालिटी ख़राब है। पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ व्हीकल, आपको पता है दिल्ली में तो ज़बरदस्त पॉपुलेशन है। वर्ल्ड के, अगर मैं मानूँ, टॉप पॉपुलेटेड सिटी, तो दिल्ली उसमें टॉप 5 या टॉप 10 में आता है। इनफैक्ट नंबर 2 या नंबर 3 पे ही आता है। तो दिल्ली मोर पॉपुलस है देन मुंबई एंड कोलकाता, ये बात तो श्योर है। दिल्ली में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आसपास से लोग आते हैं मुंबई कलकत्ता के कंपैरिजन में। और क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइग्रेशन ज़्यादा है, तो लोगों के पास व्हीकल भी ज़्यादा हैं। तो ये जो ज़्यादा व्हीकल्स हैं, इस वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली मैंने करीब 6 से 7 पैरामीटर्स लिए अलग अलग, क्यों पॉपुलेशन दिल्ली में ज़्यादा है, कहाँ पे दिल्ली डिसएडवांटेज पे है एज़ कम्पेयर टू मुंबई एंड कोलकाता, और इस कंपैरिजन में आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई, इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हमारे वाटर स्कैर्सिटी है। कमाल की बात है, आयरनी है ये। इस बात को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। जो क्रिटिकली एग्जामिन की बात आती है, हम लोग को क्या करना होता है, आप उसके तह तक जाइए, मुद्दे की तह तक जाके वहाँ पे आप अपने सबूत लगाइए, अपने इवैल्यूएशंस लगाइए, उसके आधार पे आप प्लस और माइनस तक पहुंचिए कि क्या अच्छी बातें हैं किसमें, क्या बुरी बातें हैं। और फिर फाइनली जब आप जजमेंट अपना सुना रहे हो, तो एक बैलेंस्ड रखिए जजमेंट को। इस तरीके से आप इसको एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन ब्रेक करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ब्रेक करके सीधे से एक ये बात बनी है कि भारत के पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है, तो ये क्यों है? अप्रोच इसमें बिल्कुल सीधी से रहेगी। आज अभी के समय में इंडिया में क्या पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो यहाँ पे मेंशन करें, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। फिर उसके बाद आप फैक्टर्स बताएं कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वाटर में कमी आ रही है, हम स्कैर्सिटी में जा रहे हैं, तो इसके बारे में बात करें। इनको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। देखिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल, फिर एंथ्रोपोजेनिक या फिर जो मैन मेड हैं, जो हम मनुष्यों की वजह से हैं, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट मशीनरी के फेलियर की वजह से हैं। इन 3 वजह से जो पानी है, उसकी जो डेप्थ है, जिस डेप्थ पे पानी मिलता है, वो नीचे होता जा रहा है, अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इस बारे में आपको चर्चा करनी है। कंक्लूड आप एक वे फॉरवर्ड के साथ करें। ऐसे क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड ज़रूर दें। आप उनको बताएं कि भाई, इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो आगे आने वाली परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होंगी। तो वे फॉरवर्ड आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है। शुरू देखिए, मैंने ऐसे किया है कि भारत देश के तौर पे बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। अब इतना अवेलेबल नहीं है हर आदमी के हाथ में वाटर, जितना आज से कुछ समय पहले था। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है, 1950 के आसपास, मैंने बोला 5200 के आसपास थी, और अभी शॉकिंगली 2011 का अगर मैं डेटा देखूं, तो वो 1800 पे आ जाती है। देखिए, सीधा 5200 से वो 1800 तक गिर गई है, 1950 से 2011 में। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया पानी। इनफैक्ट आप मानेंगे, कहा जाता है कि तीसरा अगर वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो वो पानी के स्कैर्सिटी पे होगा, पानी की अवेलेबिलिटी के लिए होगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने डेटाज मेंशन कर दिए। अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, हमारे मानसून की श्योरिटी नहीं है। कभी बहुत भयंकर बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी मानसून बहुत डेफिशिएंट रहता है। और दूसरी बात, रीजनली भी ये बहुत वेरी करता है। आप इंडिया के कुछ हिस्सों में देखेंगे तो
केरला या नीचे के हिस्सों में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लड्स अगर आए तो संभव है उसी समय राजस्थान के आसपास सूखा पड़ा हो। तो इसीलिए रीजनल वेरिएशंस हैं, वैसे भी रेनफॉल डिफिशियंट है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखिए कुछ पेरेनियल रिवर्स हैं जैसे कि जो भले ही गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी महीना हो, हमेशा बहती हैं। अब क्या है, उसमें जो पानी है वो कम होता जा रहा है, पानी कम हो रहा है तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी कम हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ओशंस बहुत जल्दी गर्म हो रहे हैं। तो ओशन गर्म हो रहे हैं तो भारत के लैंड मास पे उतना स्ट्रांग लो प्रेशर नहीं बनता जितना स्ट्रांग बनना चाहिए। तो कुछ मॉनसून विंड लो प्रेशर की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं तो समुद्र में बारिश कर देती हैं। बीच में एक रिपोर्ट आई थी जिसने इस बात का बिल्कुल पुष्टि की थी कि हाँ आजकल जो है बारिश समुद्र में ज़्यादा हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र भी हीट अप हो रहा है। फिर एलनिनो की बात करें, एलनिनो हमने समझा था कि एलनिनो जब आता है तो ड्रॉट वो उस ईयर पे पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एलनिनो की तरफ हाई प्रेशर हो जाता है, वो और ज़ोर से हवाएं नहीं फेंक पाता तो इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनती हैं। पुराने वीडियो में मैंने पूरा एलनिनो का डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर किया है, प्लीज़ पुराने वीडियो देखें तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज देखते हैं, मैन मेड कॉजेज। भाई आजकल पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है वाटर बॉडीज़ में, कोई इंडस्ट्री है या कोई डोमेस्टिक है, कुछ भी फैक्टर्स हैं तो फिर जाके उसको रिवर में डंप कर दो या तो कचरा या फिर कुछ भी, तो इस वजह से आपके पॉल्यूशन बढ़ रही है। पॉल्यूशन बढ़ रही है तो फ्रेश वाटर तो कम होता जा रहा है क्योंकि जो पानी शुद्ध था पहले अब शुद्ध नहीं रहा, अब उसमें दुनिया भर के केमिकल्स आके मिल रहे हैं इंडस्ट्री से। डोमेस्टिक में भी गाय भैंसों को नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, तो इस वजह से केमिकल्स, साबुन के केमिकल्स सब के सब पानी में ही मिलते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से जो सीवेज जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। मैनेजमेंट के नाम पे हमारे पास कुछ खास इसके बारे में है नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, सारा जो कचरा है, सारा जो सीवेज है वो एंटर हो जाता है नदियों में और नदियों को पॉल्यूट कर रहा है, नदियों को पॉल्यूट कर रहा है। फिर से वही बात आ गई कि अब आपके पास फ्रेश वाटर क्या रहा, बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि आपकी नदियाँ पॉल्यूटेड हैं। पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो कर रही है लेकिन डिमांड तो बढ़ती जा रही है पर सप्लाई कम हो रही है, तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रहा है। जो सप्लाई का मिसमैच हो रहा है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब अब आपको उसी पानी के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो ये हमने इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी जोड़ दिया, तो इसीलिए आपको उसी पानी के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे जाते हैं, तो देखिए स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन नहीं है। अब ये कचरा अगर आप पानी में फेंक रहे हैं, इंडस्ट्री अपना डंप कर रही है पानी में कचरा, तो उसके लिए कोई रेगुलेशंस होने चाहिए स्ट्रांग जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, पर इन दोनों में से ही एक जगह पे ये लैक कर जाता है और इस वजह से हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं। अगर लॉज हैं भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मैनेजमेंट प्रॉब्लम है भाई, सॉलिड वेस्ट जो है उसको मैनेज नहीं किया जा रहा, उसको डंप कर दिया जाता है रिवर्स में। पॉलिटिकल विल की कमी है, ये तो आप हर जगह मेंशन कर सकते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी कमी है, अगर कुछ है भी तो भाई वो अब फंक्शनल नहीं है, बहुत कम फंक्शनल है। तो इसमें भी एक रिपोर्ट है, अगर आप ढूंढे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में तो एक रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इंडिया में जो भी ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसमें से बहुत कम परसेंट जो है अभी फंक्शनल है, बाकी सारे नॉन फंक्शनल हो गए। तो ये आपने तीनों फैक्टर्स को एड्रेस किया। फिर आखिरी में कंक्लूजन आप ऐसे देंगे, वे फॉरवर्ड। तो देखिए एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है जिससे क्या उसमें कम वाटर का यूटिलाइजेशन हो, जितना चाहिए उतना ही हो, इरिगेशन ज़बरदस्ती का पानी ना आए। ज़बरदस्ती का इरिगेशन से ये भी होता है कि जो अब जब इवेपोरेशन होगा तो पानी अपना नमक पीछे छोड़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने इस लैंड पे बहुत सारा पानी डाला, भाई इसका इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ तो नमक पीछे छूट गया, तो ये जो मिट्टी है इसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी नमकीन हो जाएगी, वो फर्टाइल नहीं रहेगी, धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें वाटर का, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन ऐसे मेथड्स को यूज़ करें। ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सरकार का प्रपोजल था कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे रिवर्स की, ये भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। जो भी वाटर सरप्लस रीजन है जहाँ पे पानी बहुत सारा है वहाँ को अगर आप जोड़ दो डेफिशियंट रीजन से तो दोनों जगह पानी बराबर हो जाएगा, तो इसी वजह से डेफिशियंट रीजन को बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये आपका बन गया एक्चुअल वे फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है
कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है वो अपनी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, सैचुरेशन लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इन एरियाज़ में कि ये लोग अपने सैचुरेशन लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तो अब आप इस चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब ये होगा मुझे अपनी रीजनिंग के बिना पे आंसर करना पड़ेगा इन चीज़ों को। आप सोचिए कि कैसे टूरिज्म की वजह से किसी जगह को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ बताएं। उसके बाद प्रोज और कॉन्स दोनों बताएं। फाइनली आपको करना क्या है, एक फेयर बैलेंस्ड जजमेंट देना है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं तोड़ता हूँ, तो क्वेश्चन बोलता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कह रहा है कि ये तीनों ही जगह अपनी लिमिट पहुंच चुकी हैं, जो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो इन्होंने पार कर ली है इकोलॉजी को कैरी करने की। क्यों? क्योंकि ये टूरिज्म है यहाँ पे, जो है टूरिज्म की वजह से इसने अपनी एक्सट्रीम जो है कैपेसिटी पार कर ली है। तो आपको अब यहाँ पे बताना है क्या क्या फैक्टर्स रहे, अपनी रीजनिंग लगाइए कैसे टूरिज्म हार्म कर सकता है उस जगह को। तो अप्रोच में देखिए ऐसा रहेगा, सबसे पहले तो इनकी सुंदरता का वर्णन कीजिए कि बहुत सुंदर जगह है, इनको धरती पे जन्नत का जो है दर्जा दिया जाता है, इतनी सुंदर जगह है। फिर आप मेंशन कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है ये जगह। उसके बाद जो है आप ये मेंशन करें, देखिए आगे आप ये मेंशन करें कि कैसे इसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। फाइनली कैसे पल्यूशन के कारण जो टूरिज्म है वो इस पे बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये आपको इस नोट पे अपना क्वेश्चन एंड करना है। फाइनली एक चीज़ बोलें कि भाई आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन होपफुल रहें कि अगर आप सतर्क रहे तो इन जगहों की ब्यूटी को कंजर्व किया जा सकता है। तो देखिए आंसर में मैंने क्या किया है, इन जगहों के बारे में लिखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको कहा जाता है हेवन, जन्नत है ये भारत में। रीजन्स वेल एम्ब्रेस द नेचुरल ब्यूटी एंड पिलग्रिमेज साइट इन इट्स लैप, ये अपनी गोदी में बसाए हुए है, गले लगाए हुए है अपनी ब्यूटी को, जो नेचर को, और वहाँ पे बहुत सारी धार्मिक स्थल भी हैं। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो टूरिज्म है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से एक चिंता हो रही है हमको किसकी, इकोलॉजी की, कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है इस रीजन में, और ये हमको अभी इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस सतर्क नोट पे आपने इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट किया। फिर आते हैं हम लोग बॉडी में। देखिए बॉडी में आपको बताना है किस तरीके से जो टूरिज्म है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए जो कैरिंग कैपेसिटी है रीजन की, उससे ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। इसी बार की न्यूज़ थी कि भाई घंटों घंटों का जाम लगा रहता था शिमला में, मसूरी में। क्यों? क्योंकि इतने टूरिस्ट आ गए कि वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हैं भाई। ज़्यादा गाड़ी आएंगी, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेंगे, क्योंकि केयरलेस होके, कोई मैनेजमेंट नहीं है इन स्टेट्स के पास, तो वो लोग केयरलेस होके अगर कचरा इधर उधर फेंकेंगे या प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगी। तो ये जो कैपेसिटी है मैच नहीं हो पा रही। दूसरी बात, डिमांड तो बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उतने समझ लीजिए होटल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप हो रहा है, और इतनी बुरी तरह, इतना हैफजर्ड मैनर में डेवलप हो रहा है कि वहाँ पे कोई भी प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जा रहा। होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, रुकने के लिए गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट को डिटीरेट कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर मान लीजिए माउंटेन है और यहाँ पे अगर होटल बना दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ की जो मिट्टी है उसको लूज़ कर रहे हैं। यही रीज़न होता है लैंडस्लाइड्स का, अगर थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया तो यहाँ की मिट्टी पहले ही लूज़ है, आपने पेड़ काट दिए, पेड़ जो है अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, आपने तो हटा दिए पेड़, आपने वहाँ अपना होटल खड़ा कर दिया। अब ये जो होटल है इसने वहाँ की मिट्टी को कर दिया लूज़, तो ये मिट्टी लूज़ हो गई है। अब जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आएगा, भले एक माइनर इंटेंसिटी का आए, तो इससे क्या, लैंडस्लाइड आएगी और ये पूरे होटल नीचे आ सकता है, कितना जान और माल दोनों के खतरा है। तो लेकिन क्यों? क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया बिना प्लानिंग के, बिना इवेल्युएशन के, बिना असेसमेंट के, हैफजर्ड मैनर में। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं, ये जो क्या करते हैं, लैंड की डिमांड करते हैं, क्योंकि इनको बनाना है, तो हैवी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमने बात की, उसकी वजह से लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंट हो जाती है, फ्लड फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं। आपने देखा केदारनाथ में नेचुरल डिजास्टर आया, कितने ज़बरदस्त नुकसान हुआ था वो। क्यों? क्योंकि आप डेवलपमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पे वहीक्यूलर ट्रैफिक वहाँ पे बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट खराब होगा, एयर की क्वालिटी कमज़ोर होगी।
ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और आप जानते हैं जो सभी जानवर हैं उन लोगों का एक अपर लिमिट होती है सुनने की, अगर उससे आप ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करें, लगातार हॉर्न बजाएं, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और जो एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सब के सब यहाँ पे स्थित हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो यहाँ पे स्पेशली एंडेमिक है, यहीं पे पाई जाती हैं, अगर उनको आपने नुकसान कॉज किया और इस पॉल्यूशन, इस पॉपुलेशन के बढ़ते, टूरिस्ट मूवमेंट के बढ़ते उनको कुछ हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये सब फैक्टर्स आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ को और मजबूती देने के लिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स का नाम लिख दिया, जैसे जम्मू कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश में देखें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। देखिए ये वही मैंने तीनों जगह ली हैं जो क्वेश्चन ने बोली हैं, और तीनों में ही नेशनल पार्क की कमी नहीं है। उत्तराखंड में राजा जी, जिम कॉर्बेट, तो अगर यहाँ से गाड़ियाँ, व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा होगा, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होगी, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होगी, जानवरों को नुकसान होगा। तो ये सब आपने देखा कैसे ह्यूमन वहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। देखिए हमने सब जो है ओवरऑल टूरिज्म पे ही रखा है कि भाई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा टूरिज्म की वजह से ही वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, हमने रखा टूरिज्म पे ही। एक ही होटल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं जिससे कि, दूसरा डिज़ास्टर बढ़ रहे हैं, तीसरा नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रही है, चौथा एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, पाँचवा आपने ये रखा है कि वहाँ पे जो है सॉइल की पोल्यूशन बढ़ रही है। तो ये सारे आपने 6-7 एंगल बना दिए। फिर हम देख रहे हैं टूरिज्म रिलेटेड पोल्यूशन। देखिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गारबेज का डिस्पोजल जो है वो मतलब बहुत अच्छे से नहीं होता, मैनेजमेंट है नहीं वहाँ पे, तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है जब ये न्यूज़ आई थी, मसूरी जो है वहाँ पे जो पर डे के हिसाब से कचरा प्रोड्यूस होता है करीब 25 से 30 मेट्रिक टन्स है वो, और वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। तो ये जो मेजॉरिटी वेस्ट है इसमें वो टूरिज्म की वजह से है। तो देखिए टूरिज्म कितना ख़राब इम्पैक्ट कर सकता है। जो वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, शिमला जो है अभी फेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट इतना ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है उतना सप्लाई है नहीं, तो शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। वाटर बॉडीज छोटी होती जा रही हैं। अब अगर नैनीताल का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे नैनी लेक मैंने बताई है, वहाँ पे इतना कचरा फेंका गया है कि जो लेक एक समय इतनी थी वो अब इतनी रह गई है, क्योंकि बाकी जगह कचरा ही कचरा है। तो इस तरीके से आप वाटर बॉडीज़ को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है, हमने देखा होटल्स का, हमने देखा रेस्टोरेंट का, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, हिल्स में लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लड्स होते हैं, और भी डिज़ास्टर्स होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत टूरिज्म रिलेटेड नुकसान है। आपने अपने आंसर को बैकिंग देने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल सबका एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे आंसर में स्कोप जो मार्क्स कटने का है वो बहुत कम हो जाता है। एक कंटेंट से लदा हुआ आंसर है ये पूरा आपका। कंक्लूड हम इसको इस तौर पे करते हैं कि भाई जो टूरिज्म है वो रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है और साथ में स्टेट का भी फायदा कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोकल्स को, क्योंकि कई लोग गाइड बनते हैं, कई लोग ड्राइवर बनते हैं, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट में है वो लोग। कई लोग इनमें अगर आप जाएंगे तो आपको घोड़े पे बिठा के ऊपर तक ले जाएंगे, तो सबको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सबको रोज़गार दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की कमी है भाई। बिहेवियर में बहुत ख़राब है टूरिस्ट का जो बिहेवियर है, जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, सीनिक वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो, कल को वो जगह उतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। हालांकि कुछ एडवांटेज तो हैं, ऑब्वियसली हैं टूरिज्म के, लेकिन आपको इनके कंसर्न्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा एड्रेस किया हमने। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि जो बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून है वो चेंज हो रहा है, और क्यों? क्योंकि लैंडस्केप्स जो हैं वहाँ वो अब ह्यूमनाइज होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग आके अब बस रहे हैं वहाँ पे, लैंड का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। इस पे आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड हो गया डिस्कस, माफ़ कीजिएगा ये किसी और स्लाइड का यहाँ पे आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आपका कीवर्ड है डिस्कस। डिस्कस कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको मजबूती देते हैं। कैसे देंगे? हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स के जरिए मजबूती देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एग्जॉस्टिवली इसको आंसर करना है, विस्तार में बताइए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सटीक बताएं, आप अपने अपने मार्क से भटके नहीं। उसके बाद क्वेश्चन को आप तोड़िए, ये भी किसी और क्वेश्चन का आ गया, माफ़ कीजिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे तो ऐसा है कि पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कहाँ कर रहा है, इंडियन मॉनसून में जो बदलाव आ रहे हैं।
तो ये जो चेंज आ रहे हैं इंडियन मॉनसून में, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लैंड के पैटर्न बदल रहे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न बदल रहे हैं। इसी पे आपको डिस्कस करना है। अप्रोच आप इसमें क्या फॉलो करेंगे, देखिए ये फिर से गलत स्लाइड आ गई, मैं एक बार माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। इंट्रोडक्शन जो है वो आप कैसे करेंगे, शुरुआत में आप बताएं कि कैसे जो मॉनसून है वो आपका इफ़ेक्ट हो रहा है, और किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके जो लैंड के पैटर्न बदल रहे हैं। मतलब पहले वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर होता था तो अब वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, अगर पहले वहाँ पे जंगल था तो अब वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो लैंड यूज़ पैटर्न बदल रहा है, उससे मॉनसून बदल रहा है। तो इस बारे में जिक्र करेंगे। बॉडी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप बताएं कि जो इंडिया में है रेनफॉल होती है उसके ट्रेंड क्या हैं, मतलब वो कैसे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, नॉर्थ ईस्ट से होती है, ये सब बताना है आपको। फिर आप इसमें बताएं कि जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, यानी कि जो मैन मेड कॉजेज़ हैं, वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो कॉजेज़ हैं और जो रेनफॉल अभी कम हो रही है या जो मानसून में चेंज आ रहे हैं, इम्पैक्ट क्या होंगे उसके, कि भाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा और आपकी वाटर बॉडीज़ पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब आपको अलग अलग एंगल्स में बताना है। देखिए पहले इंडियन मानसून को अपन समझते हैं। इंडियन मानसून जो होता है वो बहुत यूनिक फिनोमेना है। ये मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से। देखिए जब हमारा जून जुलाई के आसपास जो है वो सूरज कहीं ऊपर आ जाता है, तो सूरज के साथ साथ क्या होता है, ITCZ है वो भी सड़क के ऊपर आ जाता है, तो जो तिब्बत है इसके पास आपका लो प्रेशर बनता है, तो जब आपका लो प्रेशर यहाँ बनेगा तो आपकी हवाएं इस तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि हवा जो है वो हमेशा हाई से लो प्रेशर जाती है, तो ये जो है लो प्रेशर तिब्बत के पास बनेगा, आपकी हवाएं यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी, तो ये जो आपकी हवाएं आती हैं वो इस तरीके से ऐसे आती हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, और फिर ये यहाँ से ऐसे आती हैं, तो ये हवाएं जो हैं इसको कहते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। वो इसलिए क्योंकि इसके डायरेक्शन की वजह से, साउथ वेस्ट से ये आ रहा है तो जहाँ से शुरू हुआ है ये, उसके डायरेक्शन की वजह से उसको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। इसीलिए भारत का जो मानसून है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून विंड से आता है। अब देखिए, अब धीरे धीरे 2-3 महीने गुजरे, महीने गुजरे, अब क्या आपका आया अगस्त सितंबर, तो धीरे धीरे सूरज ने अपना मोशन नीचे की तरफ शुरू किया। जैसे सूरज नीचे नीचे मूव करता रहता है वैसे ही ITCZ भी नीचे नीचे मूव करती रहती है, तो जो आपका ये ITCZ है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो अब देखिए यहाँ से तो हवाएं आएंगी इस तरफ क्योंकि LP है ये, इस तरफ आएंगी, लेकिन अब पीछे से हवाएं जो यहाँ है यहाँ से हाई प्रेशर की हवाएं इस तरफ आएंगी, तो आप इस समय दो टाइप की हवाओं की दिशाएं महसूस करेंगे। तो ये वाली हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, और फिर आते आते कुछ समय बाद आप ये देखें जब ITCZ और नीचे सरक जाएगी तो फिर पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट रह जाएगी। ये देखिए ये देखिए, तो अब नॉर्थ ईस्ट जो विंड है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला सिस्टम है, ये मानसून का रिवर्सल है, यहाँ से वापस जा रहा है मानसून, लेकिन इस वापस जाने में भी देखिए ये वाली जो विंड आई है, ये जो ये वाली विंड है ये आ रही है समुद्र के थ्रू, तो यहाँ से इसको मिल गया मॉइस्चर, मॉइस्चर मिल गया तो ये इस वाले तट के आसपास बारिश करेगी, इसीलिए रिट्रीटिंग मानसून में जब है इस वाले तट के आसपास बारिश पाई जाती है। तो ये हमारा मानसून का ट्रेंड है, मैंने आपको साउथ वेस्ट बताया, नॉर्थ ईस्ट बताया, ये थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आंसर पे चलते हैं, आइए देखिए आंसर में मैंने लिखा है कि रिसर्चेज बहुत हुई हैं, स्टडी बहुत हुई हैं, उन्होंने लगातार बताया है कि मैन मेड कॉजेज़ की वजह से नेचुरल लैंडस्केप परिवर्तित हो रहा है, और वो जो नेचुरल लैंडस्केप परिवर्तित हो रहा है उससे मानसून हमारा बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। इसके पीछे मेजर फोर्स क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न, आप जिस हिसाब से अपने लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, जहाँ पे पहले जंगल थे आपने आज काट दिए उसको, आपने वहाँ पे एक शहर बसा दिया, तो मानसून कैसे अट्रैक्ट करेगा, अब जंगल जो थे वो मानसून को अट्रैक्ट करते थे, पर अब जंगल नहीं है मानसून नहीं आएगा, तो इसीलिए जो हमारे मानसून है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है भाई, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको जो है वहाँ पे सिटीज़ बसानी है, तो इसीलिए आप वहाँ पेड़ काट रहे हैं, ये पेड़ काटने से बहुत नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, हमारे हर एक पैटर्न में बदलाव आ रहा है, यहाँ तक कि हमारे मानसून के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ तो
तो मैंने ट्रेंड बता दिए कि जो इंडिया में मॉनसून विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, लेकिन साउथ वेस्ट वाला जो है वो 75% बारिश करता है, नॉर्थ ईस्ट वाला तो हमने देखा कि बस थोड़े से हिस्से में बारिश करता है, तो ये सिर्फ 25% ही बारिश करता है। अब ये आपने ट्रेंड बता दिया, अब आप बताएंगे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कैसे मॉनसून विंड्स चेंज हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले लैंड यूज़ कैसे बदल रहा है, कैसे आप उस लैंड का आप अलग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जिससे क्या धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है हमारा फोकस। तो डेवलपमेंट आप करेंगे तो आपको ज़मीन तो चाहिए, ज़मीन कैसे मिलेगी, वहाँ के फॉरेस्ट काट के, आप पेड़ काट दो, वहाँ की ज़मीन आपके लिए है, फिर आप वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगा दो, मॉल लगा दो। अब आपने ये तो काट दिए पेड़, लेकिन जैसे ही पेड़ कटे हैं वहाँ पे रेन अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, पेड़ रेन को अट्रैक्ट करता था, वाटर बॉडीज श्रिंक होती जा रही हैं, उसमें पॉल्यूशन आती जा रही है, तो फिर इनफ पानी ही नहीं होता वहाँ पे जो इवेपोरेट हो जाके फिर बारिश करे। तो इसी वजह से ये भी एक फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं हिंदू कुश हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में कि कितनी तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो मॉनसून है उसके ट्रेंड्स में फ़र्क आ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ओशंस जल्दी गर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए जो LP है, पहले के समय में जो आपका लो प्रेशर इंडिया की तरफ हुआ करता था, वो आपका लो प्रेशर अब हो गया है ओशंस की तरफ। पहले लो प्रेशर यहाँ था, अब लो प्रेशर यहाँ पे भी एस्टैब्लिश होने लगा, तो कुछ विंड डाइवर्ट हो जाती हैं, कुछ इधर जाती हैं, तो बारिश जो है आपकी वो कम होने लगी है यहाँ पे। उसके बाद इरिगेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से सॉइल में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, क्योंकि लगातार आप उसको पानी दे रहे हैं। तो ये जो आपका लो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो इतना इंटेंस नहीं हो पा रहा जो अट्रैक्ट कर पाए, वो इसलिए क्योंकि लो प्रेशर तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे अच्छी गर्मी पड़ेगी, तभी वहाँ पे हवाएं एक्सपैंड होंगी और उठेंगी और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा। गर्मी पड़ रही थी उतने में आपने यहाँ पे कर दिया पानी का छिड़काव, तो ये जो गर्म हो गया वो वापस ठंडा हो गया, तो लो प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। इससे जो जितनी इंटेंसिटी से आनी चाहिए थी आपकी मॉनसून विंड्स वो नहीं आई, और आपकी सिर्फ एक ही विंड आई, तो आपके मॉनसून कम आया। अच्छा, ये सब चीज़ें देख ली, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मॉनसून में ब्रेक आ जाते हैं, आजकल बारिश होती है 2 दिन फिर ख़त्म हो जाती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून लेट हो गया, पहले जून जुलाई में बारिश होने लगती थी, आजकल आप देख रहे हैं तो 15 अगस्त 20 अगस्त तक भी बारिश का शुरुआत नहीं होती। दूसरी तरफ देखें आप तो एब्रप्टली थंडर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं, कभी भी ओले गिर जाते हैं, कहीं भी एकदम से तूफान आ जाता है। एल नीनो की अक्रेंस भी अब प्रिडिक्ट नहीं की जा रही, क्यों? क्योंकि पहले तो था 3 से 5 साल में कहीं ना कहीं एल नीनो आएगा, अब तो उसकी जो अक्रेंस है वो भी ऊपर नीचे हो रही है, और वो क्यों? क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और इस वजह से आपका मॉनसून सप्रेस होता है। एल नीनो का हमको इफेक्ट पता है मॉनसून पे, ये मॉनसून सप्रेस करता है, तो इस वजह से मॉनसून के पैटर्न्स लगातार बदल रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिटी के बारे में कि भाई स्मार्ट सिटी जो इंडिया में है वो सस्टेन नहीं कर सकती बिना स्मार्ट विलेजेस के, तो आपको स्मार्ट विलेजेस चाहिए तभी आपकी स्मार्ट सिटी बनेंगी। इस बात को आप पूरा इलैबोरेट करें, समझाएं, और किस में रूरल अर्बन माइग्रेशन और इंटीग्रेशन के उसमें बैकड्रॉप में, तो आपको इसमें माइग्रेशन का जिक्र करना है कि अगर रूरल और अर्बन एरियाज इंटीग्रेट होंगे, अगर हम अर्बन को डेवलप करेंगे तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, मतलब रूरल को डेवलप करेंगे तो लोग अर्बन की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे, माइग्रेशन कम होगा, तो आपकी स्मार्ट सिटी का जो है सपना है वो पूरा हो पाएगा, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सही होगी, तो आपका स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन आपको इस तरीके का माइग्रेशन रोकने के लिए इस जगह को डेवलप करना ज़रूरी है, स्मार्ट विलेज बनाना ज़रूरी है, तो आपको इसी के चारों तरफ अपना चर्चा पूरी करनी है। देखिए, अब कीवर्ड है यहाँ पे डिस्कस, क्रिटिसाइज मत करिए, अपने स्टेटमेंट को मजबूती दीजिए एग्जांपल्स के तहत। क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम लोग, स्मार्ट सिटी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती बिना स्मार्ट विलेजेस के, स्मार्ट विलेज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के बैकड्रॉप मतलब इसी को आप समझाएं बैकड्रॉप रखते हुए रूरल और अर्बन का लिंकेज। अप्रोच ये रहेगी, पहले आप स्मार्ट सिटी क्या चीज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताएं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आज एक ब्रीफ में बताएं बस, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, उसको डिटेल अपन यहाँ करेंगे।
फिर उसके बाद बताएं क्या दिक्कतें हैं माइग्रेशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से। पहले आप एक ले पूरा सिटीज़, भाई सिटीज़ में क्या दिक्कतें हैं, ओवर क्राउडिंग हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप बताएं। फिर उसके बाद दूसरा लें कि विलेज में क्या हो रहा है, भाई विलेज में क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो मर्द हैं जो मेल हैं वो सब चले गए सिटीज़ में अच्छा लाइवलीहुड की तलाश में, तो पीछे जो खेत छोड़ गए हैं उसको महिलाएं देख रही हैं, एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये आप दो पहलू को डिस्कस करें फिर वे फॉरवर्ड दें। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने बताया स्मार्ट सिटी जो है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा क्या, ये वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाएगा, किनकी, जो वहाँ पे लोग रहते हैं रेसिडेंट्स की। लेकिन स्मार्ट सिटी भाई पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप माइग्रेशन कम करेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ पे डेंसिटी लोगों की आपने फिक्स कर दी कि इतने स्क्वायर फीट एरिया में इतने ही लोग होंगे, लेकिन आने वाले समय में जब वहाँ पे माइग्रेशन होगा तो आपकी सारी जो प्लानिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको रूट कॉज को टैकल करना ज़रूरी है, तो इसी वजह से आपको माइग्रेशन रोकना है तो आपको अर्बन एरियाज़ में जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उन्हीं को रेप्लिकेट करिए, उन्हीं को एकदम उन्हीं का प्रतिबिंब लाइए आप विलेजेस में, जिससे कि लोगों को यहीं अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो माइग्रेट कम करें या ना करें। तो आपको पूरी बात जो है माइग्रेशन के ही चारों तरफ घुमानी है। बॉडी पे चलते हैं अपन, क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो सिटीज़ में देखिए ज़्यादा माइग्रेंट आ गए तो क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, इंक्रीज़ हो रही अपॉर्चुनिटी, तो वुमेन क्या करती हैं माइग्रेट कर रही हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ, भले ही वो एजुकेशन के लिए हो, भले ही वो इंडस्ट्री में जॉब के लिए हो, लेकिन माइग्रेट कर रही हैं। पर उसी के साथ क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है वुमेन के लिए, जो इंक्रीज़ हो रहा है क्राइम रेट, ये सेफ्टी ऑफ वुमेन के जो कॉन्सेप्ट है उस पर पूरे पे एक चैलेंज के तौर पे आता है। उसके बाद मैं बताऊँ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमज़ोर पड़ रही है, क्यों, माइग्रेशन बढ़ रहा है, स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लेबर सप्लाई अब इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई लोग बहुत कम पैसों में भी काम करने को तैयार हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अगर वो आपको मान लीजिए 10 रुपये दे रहा है और आप कह रहे हैं नहीं 15 रुपये चाहिए मेरे को, तो वो आपको 2 मिनट में रिजेक्ट कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इतने लोग आपके पीछे लेबर सप्लाई के तौर पे खड़े हैं, वो सोच रहा है तुम नहीं तो कोई और हो जाएगा, इसलिए सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओवरबर्डन्ड है, इतनी पॉपुलेशन के चलते पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है सिटीज़ की। अब विलेज पर क्या इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो कम हो जा रही है, तो यील्ड भी कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन आता जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं वो सब माइग्रेट कर रहे हैं, फीमेल को देखना पड़ रहा है पीछे विलेज, और जो विलेज है वो उसको सेम रेट पे डेवलप नहीं हो पा रहा है सिटीज़ के जो रेट है वो, क्यों, क्योंकि बहुत लोग विलेज छोड़ के सिटीज़ में भाग रहे हैं। अगर वो यहीं पर रहें, यहीं पर काम करें, यहीं पर अपना पोटेंशियल दिखाएँ तो विलेज भी डेवलप होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आप अभी क्रिएट कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से माइग्रेशन हो रहा है। विलेजेस धीरे धीरे पूरे डेजर्टिफाई होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ से जा रहे हैं। आपको इन विलेजेस को सुधारना ज़रूरी है, इनको सुधारें तो आपके शहर स्मार्ट सिटी बन पाएंगे। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो देखिए स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या होगा ये हमने पूरे इसमें बात की। सबसे पहले एक मिशन है ररबन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन, ये क्या करना चाह रहा है, ये वही सारी चीज़ें जो कि अर्बन में है वो कोशिश करना चाह रहा है रेप्लिकेट करने में विलेजेस में, जिससे विलेज का ग्रोथ पोटेंशियल एकदम बढ़ जाए। अब वो ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, विलेज में रह के ही काम करेंगे। ऐसे विलेज में क्या क्या होना चाहिए, देखिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो हैं, इंडस्ट्री जो हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे वो रोज़गार दे सकें लोगों को। सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग करिए कि लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। एजुकेशन वहाँ पे इतनी अच्छी बनाइए कि लोगों को अर्बन एरियाज़ में पढ़ने ना जाना पड़े। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे बनाइए कि लोगों को शहरों में ना जाना पड़े अपना इलाज करवाने। आईटी कम्युनिकेशन इनकी सुविधाएँ लाइए। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बेहतर करिए। अर्बन लाइक एम्यूनिटीज़ डेवलप करिए विलेज में ही। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलिए जिससे वहाँ पर स्किल डेवलप हो पाए, लोग अपने प्राइमरी स्किल्स को डेवलप करके वहीं पर कोई धंधा जमा सकें। तो इस सब के चलते अगर आप विलेज को स्मार्ट विलेज बनाएंगे तो आपका अपने आप ही सिटी स्मार्ट सिटी बन पाएगा। इस तरीके से हमने इस लिंकेज को समझाया। और अपन चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कटिक सी जो है उसमें अभी अभी फिलहाल ऑयल की डिस्कवरी हुई है, उस समय डिस्कवरी हुई थी, तो वो कह रहा है क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेज हैं और क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है तो अपना आंसर जो है ज़्यादातर इकोनॉमी की तरफ ही रखें, सोशल बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो 75% आंसर है या फिर जो 80% आंसर है वो आपका इकोनॉमी से डील करना चाहिए। कोई कीवर्ड नहीं है, कह रहा है कि डिस्कवरी अगर ऑयल की हो गई आर्कटिक ओशन में तो क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इंट्रोडक्शन में आपने बताया आर्कटिक सी है कहाँ, क्या है वो, फिर आप बताएं कि जो ऑयल की डिस्कवरी है वो इस पर आपकी क्या सोच है, फिर बताएं कि इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या हैं। देखिए शुरू मैंने ऐसे किया है कि आर्कटिक ओशन जो है वन ऑफ द सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है, एकदम नॉर्थ में है और पूरी तरह ये पानी से कवर्ड है और ग्लेशियर से कवर्ड है। अगर ऐसी जगह पे आप ऑयल डिस्कवर कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे मेजर इम्प्लीकेशंस हैं पूरी दुनिया पे, ना कि सिर्फ एक आसपास के इलाकों पे, पूरी दुनिया पे। तो देखिए मैंने एक टेबल की मदद से आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान बनाने की कोशिश की हैं, मैंने इस तरफ पॉजिटिव लिखे हैं, इस तरफ नेगेटिव लिखे हैं। देखिए अगर आपका वहाँ पे ऑयल मिल गया तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके ऑयल और गैस दोनों चीज़ों की, आपकी सप्लाई अगर बढ़ गई एकदम से तो ये बात श्योर है आपके प्राइस डाउन हो जाएंगे, तो आपके कम प्राइस होंगी, ऑयल गैस दोनों सस्ते होंगे। जो डेवलपिंग कंट्री हैं और जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनको इन दोनों ही चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा, ये इकोनॉमी को एक पुश देने में काम आएगा क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा। ऑयल पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है तो आपका डेफिसिट बढ़ता है कंट्री का, आपका डेफिसिट बढ़ रहा है कंट्री का तो इकोनॉमी पीछे जा रही है, तो आपको एक पुश मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ऑयल मिला, अब जो है इंडस्ट्रीज, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगी, यहाँ पे अपना आसपास अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये हमने करीब 5 एडवांटेजेस डिस्कस किए, अब देखते हैं नेगेटिव्स क्या हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज पहले ही हो रहा है आपको पता है, उसके बाद आप उस एरिया में जाके खुदाई करेंगे, उस एरिया में ऑयल का एक्सक्वेशन करेंगे तो वो और सिचुएशन ख़राब कर सकता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर सकता है। अब इतना मूवमेंट ऑफ शिप होगा और कंटेनर जो कि वहाँ से तेल निकालेंगे तो वहाँ पे जो भी पोलर बेयर और वहाँ पे बहुत सारी सील मछलियाँ, इन मछलियों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात आप जानते हैं ग्लेशियर पहले ही इतने पिघल रहे हैं, अब अगर आप वहाँ पे इतना मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, धीरे धीरे ग्लेशियर और पिघलेंगे, उससे क्या होगा, जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। भाई सी लेवल बढ़ा तो उससे क्या, जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। अगर वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया, आपने ऑयल निकाला और आपका टैंकर ख़राब हो गया, गिर गया, टूट गया, वहाँ पे आपका ऑयल बिखर जाएगा, ऑयल बिखर गया तो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा। फाइनली कंपटीशन बढ़ जाएगा एक, और अगर ये कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा तो फिर ये प्रीडेटरी कंपटीशन में भी बदल सकता है। प्रीडेटरी कंपटीशन मतलब लोग अपने हिसाब से प्राइस सेट करें, सैंक्शन लगा दें किसी और की तरफ, तो इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी जन्म ले सकती हैं। तो ये आपने बताया पॉजिटिव्स, ये आपने बताया नेगेटिव्स। नेगेटिव्स में आपने एनवायरनमेंट को खास ध्यान में रख के बताया है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखिए आपने यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट दिए इकोनॉमिक के, यहाँ आपने अपना पूरा जोर रखा है एनवायरनमेंट पे, कैसे एनवायरनमेंट ख़राब होगा, वहाँ की जीव जंतुओं को, मछलियों को, वहाँ के क्लाइमेट चेंज को, ग्लेशियर पिघलेंगे, एनवायरनमेंट डैमेज होगा, ऑयल स्पिल हो सकते हैं। तो ये आपने मतलब मोस्टली अपना फोकस रखा है एनवायरनमेंट की तरफ, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन एड्रेस किया है। इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो आपका ये बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इस पूरी लेक्चर सीरीज़ के दौरान आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ मेरी लेक्चर सीरीज़ से आपके आंसर्स बेहतर हो रहे होंगे, आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। कोई भी आपके डाउट हो आप हमसे पूछें कमेंट सेक्शन में, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक और गुजारिश करूंगा आपसे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। होता यह है कि YouTube पे आपको बहुत सारी अपडेट्स नहीं मिल पाती, वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हम लोग अपडेट देते रहेंगे, प्लीज़ ये ज्वाइन करें और फिर हमारी कोई भी अपडेट को मिस नहीं करें। थैंक यू।